नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का समय राष्ट्र न्यूज में। समय राष्ट्र न्यूज में मुंबई और साथ ही साथ देश भर की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकम का मैं डोनेशन कर रही हूँ और मैंने उनकी काफ़ी पेंटिंग्स भी ऑक्शन हाउस से गैलरी से कलेक्ट की है, तो इसीलिए हम उनकी याद में इधर सब इकट्ठा हुए हैं। उनकी पेंटिंग्स आपको किस तरह से इंस्पायर करती है? उनकी पेंटिंग्स एक्चुअली मेरे भाई ने, अबीर विवेक एब्रॉल ने, रिसेंटली एक उनकी मदर टेरेसा इन बेनेवोलेंस ली थी एक ऑक्शन हाउस से, जो कि 1980 की पेंटिंग है। और ये सीरीज़ उनकी फेसलेस पेंटिंग्स है जो कि उन्होंने इन संत मदर के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में बनाई थी। मैंने खुद भी उनकी एक पेंटिंग ब्लू बॉय ऑन ट्री टॉप, जो कि 1969 की पेंटिंग है ऑयल ऑन कैनवस, वो मैंने खुद भी खरीदी थी एक ऑक्शन हाउस से। और पिछले साल हमने उनकी एक सिग्नेचर जो उनका स्टाइल है हॉर्सेस, वो वाली पेंटिंग भी अपनी कलेक्शन में शामिल की है, जो हमारे कलेक्शन में काफ़ी सारे हुसैन हैं, तो ये अभी न्यू एडिशन हुआ है। ओके, साथ ही आज के जनरेशन जब फर्स्ट इनकम करता है तो पार्टीज एंड सो फन वगैरह करता है, बट ये तरीका आपने कैसे सोचा, आपके जहन में ये कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए? हाँ जी, हमारी फैमिली काफ़ी सालों से कलेक्शन कर रही है। मेरे दादू दादी वो हुसैन जी के ही टाइम के हैं, तो कई ज़माने से हमारा जो आर्ट अप्रिसिएशन है हमारी फैमिली में, जो हम आर्ट को पसंद करते हैं, वो काफ़ी डेकेड से चला आ रहा है। तो अभी मेरा भाई भी नेक्स्ट ईयर सतबीज लंदन जाएगा आर्ट मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए। मैं खुद भी लंदन जा रही हूँ शॉर्ट कोर्सेज, और इंटरनेशनल आर्ट, जो आर्टिस्ट इंटरनेशनल इंडियन आर्टिस्ट सेटल हुए हैं, उनके बारे में जानने के लिए। पर हुसैन साहब तो उन्होंने ही आर्ट को पॉपुलर किया है इंडिया में, उनकी वजह से अभी जो दूसरे आर्टिस्ट भी जाने माने हैं, वो हुसैन साहब की वजह से अभी दुनिया जान पा रही है इंडियन आर्ट को। थैंक यू।